बात की जाए बॉलीवुड के नवाब कहे जाने वाले सैफ अली खान की तो हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में सैफ अली खान की पूरी फैमिली ही लाइमलाइट बटोरती हुई नजर आती है, जहां एक ओर उनकी खूबसूरत और हॉट वाइफ करीना कपूर खान लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे तैमूर अली खान भी सुर्खियां बटोरते ही नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन छाए रहते हैं तैमूर अली खान। ऐसे में आपको बता दें कि पटौदी हाउस के नवाब सैफ अली खान जो हैं 10वें नवाब, ऐसे में अगर बात की जाए उनके पिता की तो वो 9वें नवाब थे यहाँ के। पटौदी हाउस के मालिक सैफ अली खान पर करोड़ों की संपत्ति है। ऐसे में आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं सैफ अली खान की माँ के बारे में। जी हाँ, शर्मिला टैगोर जो कि अपने दौर की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं कि शर्मिला टैगोर ने अपने दौर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। अपनी फिल्मों के जरिए, अपनी एक्टिंग के जरिए उन्होंने वो पहचान बना ली जिसकी वो जिम्मेदार थी। वहीं आपको बता दें कि शर्मिला टैगोर ने अपने दौर में कई सुपरहिट फिल्में की हैं, लेकिन अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी सुर्खियों में रही। बता दें आपको कि शर्मिला टैगोर ने अपनी जहां एक और फिल्मों में सुपरहिट फिल्में दी तो वहीं उनकी लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। जब शर्मिला टैगोर की जिंदगी में वो शख्स आए जो कि पटौदी पैलेस के मालिक थे, जो कि पटौदी पैलेस के नवाब थे, वो जब उनकी लाइफ में आ गए तो मानो शर्मिला टैगोर की लाइफ ही बदल गई थी। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि शादी करना इतना आसान नहीं था। शर्मिला टैगोर को कई चीज़ों से होकर गुजरना पड़ा था, और ऐसे में कब कहाँ इन दोनों की मुलाकात हुई थी ये हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे शर्मिला टैगोर का वो दुख जिससे कि सभी शायद ही अनजान होंगे। बता दें आपको कि शर्मिला टैगोर के सामने भी कई ऐसी दुख की परिस्थितियाँ आई जिन्हें वो पार करके पहुँच गई सफलता की उस सीढ़ी पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको शर्मिला टैगोर के बारे में हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर पूरे 75 साल की हो चुकी हैं। ऐसे में बता दें आपको कि शर्मिला टैगोर का जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद के बंगाली परिवार में, जहाँ पर गुजरे जमाने की मशहूर अदाकाराओं में से गिनी जाती हैं शर्मिला टैगोर। तो वहीं हिंदी फिल्मों में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया था जिसकी वो हकदार थी, वो बहुत ही कम लोगों को नसीब हुआ है। वहीं साल 1959 से 1984 तक पर्दे पर शर्मिला टैगोर के रूप और अदाओं का जलवा बरकरार रहा था। साल 1991 से 2010 तक वो अलग अंदाज में पर्दे पर नजर आई। शर्मिला टैगोर बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पर्दे पर कई हॉट सीन भी दिए थे। जी हाँ, उन्होंने शुरुआत की थी बोल्डनेस से और अपने जमाने की सबसे हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस कही जाती थी। उन्हें बेहतरीन एक्टिंग के लिए 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड और 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। वहीं अगर बात की जाए शर्मिला टैगोर की तो शर्मिला टैगोर ने कई सुपरस्टार्स के साथ फिल्मी दौर में काम किया था। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी तो थीं, वहीं उनके साथ नजर आए थे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स। बता दें आपको कि शर्मिला और राजेश खन्ना की जोड़ी को लोग काफ़ी पसंद करते थे। ये जोड़ी उस दौर की फेमस जोड़ी कही जाती थी। बता दें आपको कि इस जोड़ी ने एक समय सफलता के लिए मिसाल कायम कर दी थी और दोनों ने कई हिट फिल्में भी एक साथ दी थी, जैसे अमर प्रेम, दाग, आराधना। ये कुछ ऐसी फिल्में थीं जो कि सुपर डुपर हिट रही थी और साथ ही साथ ये जोड़ी भी जबरदस्त तरीके से हिट हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा इन्होंने कश्मीर की कली, सफ़र, मौसम, तलाश, वक्त, आमने सामने, फरार जैसी कई फिल्मों में काम किया। शर्मिला टैगोर ने हर रोल को बखूबी निभाया। वहीं शर्मिला टैगोर की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो फिल्मों से हटकर शर्मिला टैगोर की पर्सनल लाइफ बेहद ही दिलचस्प रही है। उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। जहां एक ओर हैदराबाद में हिंदू बंगाली परिवार में वो जन्मी थी, तो वहीं उनके पिता गीतेंद्र नाथ टैगोर गुलाम भारत में एक कंपनी में महाप्रबंधक थे।
और उनकी माँ असम से थी। शर्मिला की नानी नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के भाई देवेंद्रनाथ टैगोर की नातिन थी। वहीं शर्मिला टैगोर के परिवार की बात की जाए तो बेहद ही शानदार परिवार था और ऐसे में शर्मिला को देखते ही फिदा हो गए थे जब उनके पति यानी कि होने वाले पति ने उनको देखा था। बता दें आपको कि शर्मिला की शादी हुई थी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान पटौदी के नवाब मंसूर अली खान से। जी हाँ, इन दोनों की लव स्टोरी बेहद ही शानदार रही है और बेहद ही दिलचस्प है। वहीं आपको बता दें कि जहाँ एक और बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर, तो वहीं क्रिकेट का प्रेम फसाना दशकों से ही चला रहा था और ऐसे में क्रिकेटर नवाब पटौदी खानदान के मंसूर अली खान, तो वहीं शर्मिला टैगोर की लव स्टोरी बेहद ही शानदार है। बता दें आपको कि 60 से 70 के दशक में बॉलीवुड में कई अदाकारों ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग और लाजवाब हुस्न से जलवे बिखेर दिए थे, तो वहीं शर्मिला टैगोर भी कुछ कम नहीं थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में वो मुकाम हासिल कर लिया था। वहीं अगर बात की जाए इन दोनों की मुलाकात की तो साल 1965 में भारत के इन दोनों स्टारों की पहली बार मुलाकात हुई थी। दरअसल खबरों के मुताबिक ये कहा जाता है कि नवाब पटौदी और शर्मिला की मुलाकात हुई थी, वो भी उनके दोस्त की पार्टी में। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज नवाब मंसूर अली को बॉलीवुड फिल्मों से ज़्यादा लगाव ही नहीं था, लेकिन बावजूद इसके शर्मिला की मुस्कान ने उन्हें मोहित ही कर डाला था। शर्मिला को देखते ही वो उन पर फिदा हो गए थे। नवाब पटौदी खान पहली ही नज़र में उनके हुस्न के दीवाने हो गए थे। फिर अक्सर इन दोनों की मुलाकात होती रही और धीरे धीरे ये दोस्ती आगे बढ़ गई और प्यार में बदल गई। नवाब पटौदी के लिए इस हसीना का दिल जीतना आसान नहीं था। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने हर संभव कोशिश की थी उनको पटाने के लिए कि कब वो उनके प्यार में पड़ जाए। ऐसे में उन्होंने शर्मिला को प्रपोज कर दिया और वहीं इस प्रस्ताव पर शर्मिला ने कोई हामी ही नहीं भरी। इसके बावजूद ये दोनों लगातार दोस्ती के नाते मिलते रहे और धीरे धीरे नवाब पटौदी के मजाकिया अंदाज को शर्मिला भी पसंद करने लगी थी। उनके साथ वक्त बिताना उनको अच्छा लगने लगा था और एक बार नवाब पटौदी ने शर्मिला का दिल जीतने के लिए उन्हें गिफ्ट में जो दिया उसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि उनके घर उन्होंने गिफ्ट के तौर पर फ्रीज भिजवा दिया था। ऐसे में उस जमाने में फ्रीज बड़े खानदानों की एक बड़ी पहचान हुआ करती थी और उनके इस बड़े गिफ्ट ने भी कोई काम नहीं किया। पटौदी को शर्मिला की हाँ का इंतज़ार था। वो उन्हें लगातार लव लेटर और फूलों का गुलदस्ता भेजा करते थे और फिर उन्हें लग गए पूरे 4 साल। 4 साल के बाद शर्मिला ने पटौदी को हाँ कह दिया। पटौदी को जितनी मेहनत अपनी नेट प्रैक्टिस में नहीं करनी पड़ी उतनी मेहनत उन्हें दिल जीतने में करनी पड़ी थी शर्मिला टैगोर की। ऐसे में इन दोनों के बीच जब प्यार हुआ तो मानो जहां एक ओर शर्मिला स्टेडियम में मैच देखने जाती थी तो पटौदी छक्के मारकर उनका स्वागत करते थे। भारतीय क्रिकेट का ये शानदार बल्लेबाज बॉलीवुड की इस हसीना के प्रेम में और उनके क्लीन बोल्ड को देखकर उन पर फिदा हो चुके थे। वहीं ये दोनों भी शादी करना चाहते थे। ऐसे में ये शादी करना आसान नहीं था। जी हाँ, शर्मिला को कई ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ा। जहाँ एक और हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थी शर्मिला, तो वहीं मुस्लिम थे नवाब पटौदी। और ये वो दौर था जब फिल्मी सितारों के प्रेम संबंध को और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं देखा जाता था। इन दोनों के संबंध को भी इसी नज़रिए से देखा जाने लगा था और कयास लगाने जाने लगे थे कि शायद ही इन दोनों का प्यार शादी टिक पाए। ऐसे में नवाब के घर वालों को मंजूर नहीं था कि उनकी बहू फिल्मों में काम करने वाली हो। वहीं शर्मिला का परिवार भी अपनी बेटी का ब्याह किसी मुस्लिम लड़के से नहीं कराना चाहते थे। वहीं इन दोनों ने कैसे भी करके अपने घर वालों को मनाया। बता दें, इन दोनों ने बड़े ही धूमधाम से सगाई की और इसके बाद शर्मिला ने बॉलीवुड की एक फिल्म में एक बिकनी का सीन शूट करवाया था और बाद में ये पहली बार हुआ कि सिनेमा जगत में जब किसी अदाकारा ने बिकनी में शूट कराया हो, वो भी नवाब खानदान की होने वाली बहू। ऐसे में इस बोल्ड शूट के बाद लोगों को यकीन हो गया था कि अब ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा, लेकिन नवाब पटौदी खानदान के साथ उनका रिश्ते में कोई दरार नहीं आई और सभी अटकलें दूर हो गईं।
जी हाँ, अटकलों पर विराम लग चुका था और धीरे धीरे करके इन दोनों की शादी हो गई और बेहद ही शानदार रिश्ता चला। सगाई के बाद दोनों के रिश्ते बेहद मजबूत हो चुके थे, एक दूसरे के घर वाले भी बेहद करीब हो गए थे और 27 दिसंबर साल 1969 में इन दोनों ने बड़ी धूमधाम से शादी कर ली। इसके बाद सभी लोगों का मुंह बंद हो चुका था, वहीं ये रिश्ता बहुत ही अच्छा चला था। बता दें आपको कि इनकी शादी में भारतीय सिनेमा जगत से लेकर भारतीय राजनेताओं तक के बड़े बड़े सितारे आए थे। यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम भी शामिल है। वहीं जहाँ एक और शर्मिला ने नवाब से शादी की, तो ऐसे में मुस्लिम धर्म को उन्होंने अपना लिया और शर्मिला टैगोर से आयशा सुल्तान हो चुकी थी। शादी के बाद कई बार ऐसी बातें होती रहीं, शायद ही इन दोनों का रिश्ता लंबे दिनों तक चले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी में गिनी जाने लगी थी शर्मिला और नवाब की जोड़ी। वहीं ये दोनों अपनी बहुत ही आलीशान जिंदगी बिता रहे थे। शादी के बाद कुछ दिनों तक शर्मिला बॉलीवुड से दूर रहीं, वहीं बहुत ही जल्द उन्होंने फिर से धमाकेदार वापसी की। लेकिन ये भी कहा जाता है कि शादी के बाद भी शर्मिला अपनी बोल्ड अदाओं और लाजवाब अदाकारी के लिए जानी गईं। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। पटौदी खानदान की बहू बनने के बाद भी उन्होंने कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब दोनों का साथ 42 साल तक जहां एक ओर चला और फिर दोनों के रिश्ते में भी कोई दरार नहीं थी, लेकिन नवाब पटौदी का साथ एक बार में छूट गया। साल 2011 में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, जिसके बाद पटौदी खानदान की खूबसूरत बहू शर्मिला टैगोर अकेली पड़ गईं। उनकी दिलकश अदाएं लोगों के दिलों को भा जाती थीं, तो वहीं दूसरी ओर पटौदी खान इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ऐसे में अगर बात की जाए शर्मिला टैगोर की, तो वो अपने पति मंसूर अली खान की बायोपिक देखना पसंद करेंगी, जिसमें वो देखना चाहेंगी रणवीर और आलिया को। तो इस तरीके की थी शर्मिला और पटौदी नवाब की लव स्टोरी। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरीके से शर्मिला टैगोर फिल्मी सफर को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाकर उस पर चढ़ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर उनकी ये प्यारी सी लव स्टोरी शुरू हुई, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि शर्मिला टैगोर को उनके पति इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, जिसके बाद शर्मिला टैगोर अपने बच्चों को अकेली ही पालती हुई नजर आई हैं और वहीं साथ ही साथ उनके ये बच्चे बॉलीवुड में अलग ही नाम कमा रहे हैं। जहां एक ओर शर्मिला टैगोर ने बॉलीवुड में नाम कमाया, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे सैफ अली खान भी पीछे नहीं रहे हैं। सैफ अली खान बॉलीवुड के वो एक्टर कहे जाते हैं जो कि कई सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं, और आज के दौर में शर्मिला टैगोर के बेटे सैफ अली खान और करीना कपूर खान लगातार बॉलीवुड में फिल्में देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए उनकी खूबसूरत बेटी, तो उनकी खूबसूरत फिलहाल तो लाइमलाइट से दूर है, जिन्होंने कई सारी फिल्में दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोहा अली खान की। बॉलीवुड में उन्होंने कुछ ही फिल्में दी, लेकिन फिर वो लाइमलाइट से दूर हो गई। ऐसे में बता दें आपको कि सोहा अली खान भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और लगातार अपनी इन तस्वीरों को शेयर करते हुए नजर आती हैं। वहीं अगर शर्मिला टैगोर की बात की जाए, तो वहीं वो उतनी ही खूबसूरत दिखती हैं जितनी वो पहले थी। उम्र ढलती जा रही है, लेकिन शर्मिला टैगोर आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इवेंट्स में नजर आती ही रहती हैं और अपनी खूबसूरत स्माइल के जरिए आज भी अपनी फैन फॉलोइंग को बनाई हुई हैं। वेल फ्रेंड्स, ये थी शर्मिला टैगोर की कहानी, जिसे शायद ही हर कोई जानता होगा। फिलहाल के लिए तो हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी शख्सियत के बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़, और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।